ट्वेल्थ के बाद हर बच्चे का एक सपना होता है कि वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करे और एक अच्छी सी सरकारी नौकरी लेकर अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। लेकिन सरकारी एग्जाम में वैकेंसी 10,000 आती हैं और फॉर्म भरे जाते हैं 30 से 35 लाख, और उनमें से 10,000 की ही जॉब लग पाती है। जो बच्चे बच जाते हैं वो क्या करते हैं, देखिए, कोई या तो प्राइवेट जॉब करेगा, या कोई अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर देगा, या फिर अपने गांव जाकर अपनी खेती बाड़ी स्टार्ट कर देगा। एंड कुछ और जो बच जाते हैं वो सोचते हैं कि भाई हमने ये एग्जाम की तैयारी की है, हम क्या करते हैं इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसका मतलब होता है कि हम एक यूट्यूब चैनल बना लेते हैं और हम इस एग्जाम की अब क्या कराएंगे, तैयारी की हमें पूरी नॉलेज तो है, इसलिए वो यूट्यूब के ऊपर एक यूट्यूब चैनल बना लेते हैं। वो यूट्यूब पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं और वो फिर धीरे धीरे कछुए की चाल से चलते हैं, और कछुए की चाल से चलते 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 वो अपने यूट्यूब चैनल को एक इतना बड़ा बना प्लेटफॉर्म बना लेते हैं कि उन्हें उसके सामने सरकारी नौकरी फिर छोटी लगने लग जाती है। जी हाँ, आज की वीडियो में बस यही बताने वाला हूँ कि एजुकेशन चैनल को ग्रो कैसे करें। अगर आपका भी एजुकेशन चैनल है ना, अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर चैनल पे काम करते हैं, तो वास्तव में आपका जो चैनल है वो कहीं ना कहीं ग्रो होगा। टिप्स नंबर वन, स्टार्ट विद वन सब्जेक्ट। जी हाँ मेरे मित्रों, अगर आप मान के चलिए मैथ में बहुत अच्छे हैं या इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, आपको उसी सब्जेक्ट को पढ़ाना है जिसमें आप सामने वाले यानी कि जिस जो आपसे पढ़े, मतलब स्टूडेंट्स को आप उस सब्जेक्ट में संतुष्ट कर सके, उनकी पूरी जो क्वेरी होती है उनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके। सीधा मतलब यह है, आपको एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना है और जिसमें आप पूरे एडल्ट हो, पूरे निपुण होने चाहिए। टिप्स नंबर दो कहती है कि आपने एक सब्जेक्ट पकड़ ही लिया है तो भाई साहब उसके साथ साथ कोई और सब्जेक्ट आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाना है। बहुत से टीचर क्या करते हैं, चैनल बना लिया, खुद ही उस पे मैथ पढ़ा रहे हैं, खुद ही उस पे रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, खुद ही उस पे जीके जीएस पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना है। टिप्स नंबर थ्री में क्रिएट कंटेंट फॉर स्पेसिफिक एग्जाम। जी हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है, आपको एक एग्जाम को टारगेट लेके चलना है। जैसे सपोज कीजिए, अभी ट्रेंडिंग में बात करूं तो एसएससी जीडी के लिए क्या है, जैसे एग्जाम होने वाला है दिसंबर जनवरी में या फरवरी में, जैसे भी हो, तो अभी जितने भी टीचर यूट्यूब पे काम कर रहे हैं ना, इसी को टारगेट लेके कर रहे हैं। तो आपको भी करना क्या है, जो नियरली एग्जाम हो, जैसे आने वाले 2 या 3 4 महीने में एग्जाम हो, आपको उसके साथ चलना है। गारंटी ले रहा हूं, अगर आप उस एग्जाम की तैयारी कराते हैं और उसको लेकर चलते हैं, भाई साहब बल्ले बल्ले चैनल रुकने से नहीं रुकने वाला, भाई साहब गारंटी ले रहा हूं इस बात की, खुद, क्योंकि मेरा खुद यार एक अनदर यूट्यूब चैनल है एजुकेशन का, उस पर मैंने टीम लगा के रखी हुई है, तो मुझे पता है। टिप्स नंबर 4, जी हाँ, पर्टिकुलर टाइम सेलेक्ट करना। इसका मतलब ये है कि आपको डेली, अगर आपने बच्चों से बोला है कि हमारी जो क्लास है यूट्यूब पर सुबह 7 बजे डेली स्टार्ट होगी, तो इसका मतलब है कि रोज सुबह 7 बजे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने 7 बजे और कल रात के 9 बजे क्लास स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसे जो है ना स्टूडेंट्स आपके चैनल पे से आएंगे तो बिल्कुल भी नहीं, और दूसरी बात जितने हैं ना वो और भाग जाएंगे भाई, गारंटी। टिप्स नंबर 5, अगर यूट्यूब पे आपको भौकाल मचाना है तो भाई सब अपने सब्जेक्ट को 1 महीने पहले खत्म कर लीजिए, और खत्म करने के बाद जो आपने पूरा 4 5 महीने पढ़ा है ना, उसका निचोड़ फिर रिवीजन में 1 महीने इतनी मेहनत कर दीजिए ना, जो बच्चे को मन खुश कर दे और एग्जाम में डायरेक्टली एज इट इज क्वेश्चन मिल जाए। इस तरीके से आप मेहनत करें, प्रैक्टिस सेट्स के साथ साथ उनको वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएं, जिससे लगे कि बच्चे को भी हाँ बहुत अच्छा टीचर है, फिर आपके साथ जुड़ने में उसे बहुत आसानी होगी, वो बिना सोचे समझे आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा एंड आपकी वीडियो को लाइक भी करेगा, आपके हर नोटिफिकेशन को वो देखेगा। टिप्स नंबर 6, बच्चों से कनेक्ट रहने के लिए आपको भाई साहब ये पूछते रहना होगा कि जैसे आप मान के चलिए अभी फिलहाल के लिए कोई नाउन, जैसे इंग्लिश में मैं बात करूं तो नाउन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो बच्चों से आपको पता है कि अगला चैप्टर प्रोनाउन है, लेकिन भाई साहब बच्चों से ना आपको अदबद के कम्युनिटी में पूछना है कि बच्चों अगला टॉपिक हमें क्या लेना चाहिए, तो उससे होता क्या है, आप पूछ रहे हैं और बच्चे उसका जवाब दे रहे हैं ना, तो आपके दोनों के टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक ह्यूमन कनेक्शन बनेगा, जिससे आपके जो रिश्ते होंगे ना, मतलब एक तरीके से ये अपनी फैमिली मानिए फिर, और उसमें क्या होगा फिर आपकी फैमिली बन जाएगी, तो भाई फैमिली में से मेंबर
फैमिली मेंबर को ही सपोर्ट करेगा, ऐसा तो नहीं किसी और को जाके सपोर्ट कर देगा। तो मैं हमेशा आपसे यही कहता हूँ कि जब भी आप किसी चीज को स्टार्ट करें तो उसकी प्लानिंग थोड़ी सी जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फुल प्लानिंग के साथ, लेकिन थोड़ी प्लानिंग का मतलब यह है कि जो आपकी बची हुई प्लानिंग है ना, वो आपको सोच समझ के धीरे धीरे फिर आप कर ही लोगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये 6 टिप्स कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे थम जरूर भेजना है। अगर आपको अपनी ओर से कोई सुझाव देना है कि ये भी होना चाहिए, तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं उसकी कमेंट को हमेशा के लिए पिन करूंगा फिर।